नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ। भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। सेवा भाव का उनका अंदाज देखने को मिल रहा है, लोगों की मदद करती फिर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि भोजपुरी सुपर गर्ल अक्षरा सिंह आज नालंदा जिले के कराए परसुसराय प्रखंड में दिलीप गांव गई, जहां एक वृद्ध महिला कौशल्या देवी और उनकी 8 वर्षीय पोती धर्मशीला कुमार शौचालय में रहने को मजबूर है। अक्षरा ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया और फिर उन्हें आर्थिक मदद दी। अक्षरा ने वृद्ध महिला के इस हाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह घटना रोंगटे खड़े कर देने जैसा है। मैं शॉक्ड हूँ कि इस बूढ़ी माँ के पास रहने को घर नहीं है। अक्षरा ने कहा कि मुझे इस बूढ़ी माँ के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। यह जानकर बेहद दुख हुआ कि एक बूढ़ी माँ के पास घर तक नहीं है और वह इतनी गरीब है कि उनके पास सर छिपाने को छत नहीं है, ना ही उनके बुढ़ापे का कोई सहारा है। बस वे बिना माँ बाप की 8 वर्षीय पोती के साथ रहने को मजबूर है। आज मैं यहाँ आकर उनकी मदद की और ज़रूरत पड़े तो आगे भी मदद करूंगी। साथ ही मैं लोगों से अपील करूंगी कि वे भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद को आगे आए। हम लोगों पर दबाव बना रहे कैसे होंगे? आप न्यूज आर्टिकल आकर के पूरा मतलब कि उल्टा पुल्टा बयान से बोलवा रहा है जबरदस्त। हम लोग हमारे प्रयास से हम लोग जितना पा रहे थे मैडम इनको सब कुछ कर रहे थे। बोल रहे हम इतने दिन से मदद कर रहे थे इनको, तो प्रशासन मतलब कि हमको भी टॉर्चर कर रहा है कि इस तरह से न्यूज क्यों डाल रहा है, गलत न्यूज है, फेक न्यूज है। हम तो सोचिए जानने लग गए तो बोल रहे हैं कि बारिश में खाना क्या बनाएंगे, मजबूरी है उनको रखना। ये पकड़िए, ये आप अपने हाथ में पकड़िए, लीजिए, इससे आपका जो हो पाएगा वो आप कर लीजिए, उसमें उस पैसा हम आपको देंगे, ठीक है? थैंक यू। आपकी बेटी बोल रहे हैं, मतलब काम लगवाना है? हाँ, काम लगा दिया है, काम लगा ले, काम लगवाइए। कैसे अरे बाहर निकलेंगे तो देखिएगा ना आप, विधायक आगे काम लगवा दो। चलिए ठीक, अभी वीडियो एसडीओ हम लोग को मतलब कि टॉर्चर कर रहा है कि गलत मैसेज तुम लोग दिया है। ब्रेक लीजिएगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे 5 मिनट बाद। हाँ तो सर बाबू ऊपर ताको, चुप हो जाओ बाबू। हाँ मैं आपके साथ है, कोई कुछ कर ले, हम लोग को फांसी मिलाएगा तो हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, फांसी मिलाएगा तो आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम जेल नहीं, हम जा फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हैं, न्याय के लिए फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। मैडम कुछ काम आप लगवाइए फटाफट चालू। हाँ हाँ, काम लगवा दिए। तब तक ये लोग कहाँ रहेंगे, आपका घर कहाँ? हाँ मेरा घर बगल, तब तक बगल में। तो आपको यही पे शर्म नहीं लग रहा है? आप जब हेल्प कर रहे हैं तो लेके जाइए अपने घर से। इधर बगल घर में, कल से बगल वाला घर में शिफ्ट किए हुए हैं, तो अभी खाना खाने के लिए मतलब यहाँ रखा हुआ था, इनका खाना बंद था। यहाँ खाना खिलवा रहे हैं, बगल में सब कुछ रहे हैं, सुरक्षित करके मतलब बना रहे हैं। नंबर दे के जा रहे हैं, ठीक ना दादी, नंबर दे के जा रहे हैं। आपको जो भी जरूरत लगेगा इस लड़की का भी हम देख रेख करेंगे। आप बनवाइए, आपको जो भी आवश्यकता लगेगी, अभी दे चुके हैं आपको उतना, इतना सफिशियंट है जितना आप काम शुरू कर लीजिए, और जो भी लगेगा कम बेसी वो हम करेंगे। आप नंबर ले लीजिएगा, फोन करिएगा। कह के भागने वाले में से हम नहीं है दीदी, ईमानदार है, आपके लिए पूरे समय देने के लिए तैयार है दीदी, आपके घर बनाएंगे, दीदी के सपोर्ट से हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। बता दें कि भोजपुरी फिल्म जगत और म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वहीं वे निजी जीवन में बेहद संवेदनशील और सामाजिक मूल्यों के साथ जीने वाले इंसान हैं। यही वजह है कि समय समय पर वे सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं,
ऐसे असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आती है। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा, इस बूढ़ी माँ और उनके साथ 8 साल की बच्ची का वीडियो वायरल होने लगा कि किस तरह से वे शौचालय में रह रही है, उसके बाद अक्षरा सिंह इनकी मदद के लिए आगे आई है। अक्षरा सिंह ने आर्थिक मदद की है, साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भी जो भी ज़रूरत इन्हें पड़ेगी वे मदद के लिए आगे आएंगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।